नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती के एडमिट कार्ड को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती के एडमिट कार्ड आपको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करने हैं दोस्तों, कितने नंबर पर आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो पास होने वाला है दोस्तों, और आपके पदों में बढ़ोतरी को लेकर क्या अपडेट है, 1000 पद बढ़ेंगे, और एडमिट कार्ड आपके दोस्तों कैसे डाउनलोड करने हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की तरफ से दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वीडियो भर्ती के एडमिट कार्ड दोस्तों आपके जो है यहाँ से डाउनलोड करने की लिंक आपको मिल जाएगी। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि आपकी जो 27 और 28 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों, उसमें कितने पद हैं दोस्तों, उसमें 3896 पद हैं दोस्तों। लगभग 15 से 20 चुनाव स्टूडेंट पास किए जाएंगे, यानी कि 77,900 के आसपास स्टूडेंट हैं वो प्री में पास होने वाले हैं, ये दे सकते हैं। और पिछली बार दोस्तों आपकी 3600 पदों पर ये भर्ती हुई थी और 15 गुना स्टूडेंट पास हुए थे, इस बार दोस्तों 20 गुना स्टूडेंट को पास किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं दोस्तों तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक तो अभी तक दोस्तों जो 14 लाख फॉरम है उसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है। हालांकि पेपर के समय आपको पता चल जाएगा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग दोस्तों होती है तो पिछली बार दोस्तों मिनिमम पासिंग मार्क 100 में से 40% रहे थे, इस बार भी दोस्तों अगर 100 में से आपको जो है 45% नंबर आ जाते हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आराम से आपका जो है वीडियो का एग्ज़ाम प्री पास हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बाकी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 40 और 35 के बीच में रहेगी, इतने नंबर ही आपको जो है पास करने के लिए दोस्तों चाहिए होंगे, तो आराम से आप जो है प्री पास कर सकते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर दोस्तों आपकी जो लिंक है वो आ चुकी है, ये दे सकते हैं दोस्तों। विलेज डिप्लोमेट ऑफिसर यानी कि BD 3896 पद हैं, गेट एडमिट कार्ड की लिंक आ चुकी है, लेकिन एक्टिवेट दोस्तों अभी नहीं हुई है। लिंक एक्टिवेट कब होगी, 27 और 28 दिसंबर को एग्ज़ाम है, इससे दोस्तों ठीक 10 दिन पूर्व आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि लगभग 15 से 17 दिसंबर के बीच आपके एडमिट कार्ड दोस्तों आ जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है दोस्तों, अब अपनी कंटिन्यूस तैयारी करते रहें एडमिट कार्ड की, और दोस्तों वीडियो की सभी प्रकार की जो अपडेट है दोस्तों आपको चैनल पर मिलती रहेगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और आपकी जो 1000 पद हैं दोस्तों इसको बढ़ोतरी को लेकर जो है आगे अपडेट चल रही है, और जो है स्टूडेंट की मांग भी है, ये देख सकते हैं दोस्तों। राधे मीणा हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, रमेश मीणा से जानकारी दी है, वर्तमान में 1000 पदों जो खाली चल रहे हैं ग्राम सेवक के, तो ऐसे में पद बढ़ोतरी को लेकर जो है मुलाकात की, युवाओं को मौका देने की बात कही है, और राजस्थान युवा रोजगार महासंघ पदाधिकारियों ने पंचायती मंत्री से मुलाकात की है। मंत्री रमेश मीणा ने जल्द नियमानुसार पद बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है, तो आपके पदों में भी बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको दोस्तों जैसे ही आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आपको चूज करना होगा प्री एग्जाम, इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भरना होगा, एडमिट कार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।